हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे का आलू कचौरी चाट। जी हाँ, आज हम वही चाट बनाने वाले हैं जो हम अक्सर स्टॉल पर खाया करते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको खाने में जब भी कुछ चटपटा खाने को मन करे तो आप ये आलू कचौरी चाट बना के खा सकते हैं। इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कम टाइम में आप बढ़िया सा कचौरी चाट बना के खा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसे घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं। कचौरी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/2 कटोरी सूजी, ताकि हमारी कचौरी फुली फुली बने। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, जब ये हाथों में लेके इस तरह गोल बन जाए तो समझ लें कि रिफाइन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसे पानी की हेल्प से आटे को गूंद लूँगी। तो ये देखें, हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो हमारा आटा गुदा चुका है, तो अब इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा के इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ देंगे, और तब तक हम आलू के मसाले को रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 उबले हुए आलू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मसाला लिया है भुना हुआ जीरा, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर, अदरक का पेस्ट, नमक और ये धनिया पत्ता। तो इसमें सारे मसालों को डाल के कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखें, हमारे आलू का मसाला अच्छे से मिक्स होके अब रेडी हो चुका है। तो इसे गोल गोल बना के प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखें, मैंने आलू के मसाले को गोल बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये रेस्ट कर चुका है, अब इसका भी गोल गोल डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे आटों को गोल गोल डो बना के तैयार करके प्लेट में रख रही हूँ। तो ये देखें, हमारा डो अब तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 आटे का लोई और इसे हाथों से अच्छे से प्रेस करके उंगली की हेल्प से इसे गोल 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 बना के तैयार कर लेंगे, ताकि इसके बीच में हम आलू डाल सकें। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया है और इसे भी अब फिर से हाथों से गोल गोल बना के प्रेस करके ऊपर की ओर ऐसे प्रेस करके दबा देंगे और थोड़ा सा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। हल्के ही हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा इसे ना बेले, नहीं तो ये फट सकता है। तो ये देखें, मैंने इसे 2 बार ऐसे करके बेल लिया था और फिर मैं अब दूसरा तैयार कर रही हूँ। तो दूसरा भी सेम वैसे ही तैयार करना है। तो इसमें भी मैं आलू के मसाले को डाल रही हूँ और थोड़े से आटे को लगा लूँगी और इसे भी उंगली की हेल्प से ऐसे गोल गोल करके प्रेस करके एक गोल सा डो बना लूँगी। तो ये देखें, मैंने यहाँ गोल सा डो तैयार कर लिया। तो इसे भी हल्का 1 से 2 बार ऐसे करके बेल लेंगे, ज़्यादा नहीं बेलेंगे,
नहीं तो ये फट जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने दो पूरियाँ तैयार कर ली है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लोहे का कढ़ाई और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इंडक्शन को ऑन, और कढ़ाई के गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि जब हम इसमें कचौड़ियाँ डालें तो कचौड़ियाँ फुली फुली बने। तो रिफाइंड ऑयल गर्म हुआ या नहीं इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोटा सा टुकड़ा आटे का। तो ये ऊपर की ओर आ गया है तो मतलब अब ये गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसमें कचौड़ियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है एक कचौरी और ये मैं दूसरा कचौरी डाल रही हूँ। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तल लेंगे। तो ये देखें ये एक साइड से अच्छे से पक चुका है। तो अब ये दूसरी साइड से भी हम पलट के इसे अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे ये जल सकता है इसलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। तो ये देखें कचौड़ी अब तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कचौड़ी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कचौड़ी कितनी फूली फूली फ्लफी बनी है। तो चलिए अब इसे कचौड़ी चाट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कचौड़ी चाट बनाने के लिए यहाँ पे कचौड़ियों को रख रही हूँ। तो अब कचौड़ी चाट बनाने के लिए मैं इन फ्लफी फ्लफी कचौड़ी को बीच में ऐसे उंगली डाल के फोड़ रही हूँ ताकि इसमें सारे मसाले को डालूं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा ही डालना है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो एक एक करके सारी कचौड़ियों में डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा केचप ताकि खाने में थोड़ा टेस्टी लगे और इसका कलर भी थोड़ा अच्छा लगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए सेब, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ हरी चटनी। तो ये देखें कचौरी कितना अच्छा और टेस्टी बना है। तो आप भी ऐसे कचौरी चाट बना के खा सकते हैं। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। Thanks for watching my video.